हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। दर्पण है जिनका नाम रखा गया है पी क्यू, ये एक दर्पण है, और आर एस, ये दूसरा दर्पण है। ये जो दोनों दर्पण चल रहे हैं, इन दोनों दर्पण के लिए यहाँ से एक किरण जा रही है जो बी बिंदु पर काट रही है, यानी कि जो पहले शुरू में टकराती है किसी भी दर्पण से, उसको हम क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी जो है वो एक आपतन किरण है। सबसे पहले हम यही लिख रहे हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो एक आपतन किरण है। आपतन किरण दी गई है जिसका नाम है ए बी, जो सबसे पहले आकर के टकराई। अब यहाँ से ये टकराने के बाद पी क्यू से टकरा करके ये मुड़ गई है, परावर्तित हो गई है और सी बिंदु पर टकराती है। तो यहाँ से हमारे पास सी बिंदु पर ये टकरा रही है। आपतन किरण है ए बी जो दर्पण पी क्यू से टकरा करके बी पर परावर्तित हो जाती है। बी पर परावर्तित होकर आर एस से सी पर टकराती है। तो हमने ये लिखा है कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें ये बताया गया है कि ये जो है ये एक आपतन किरण है, यानी जो सबसे पहले आई ये बी बिंदु पर टकराई पी के उसे, और फिर यहाँ सी पर आकर के परावर्तित हो गई, सी से ये इधर चली गई सी डी की तरफ। ये चीज़ हमें दी हुई है। उसके साथ ही हमें दूसरी चीज़ दे रखी है कि जो ये दर्पण है पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ये इनकी पोजीशन है। हमने इसमें क्या किया, अब यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, हमें सिर्फ ये पता है कि आपतन परावर्तन की बात हो रही है। उसके हमें नियम मालूम हैं कि जो भी लंब डलता है किसी भी शीर्ष पर जहाँ आपतन कोण हमारे पास किरण होती है, तो ये दोनों तरफ बराबर के कोण बनाती है। इसके ऊपर यदि लंब डाला जाए तो ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे लंब डाला जाए तो ये जो दोनों कोण हैं ये कोण बराबर होंगे। तो हमारा काम क्या है, हम परावर्तन के इस नियम को यूज़ करें। इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या कहा, हमें इसमें ए बी और सी डी को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, सबसे पहले हमने कोई पॉइंट ले लिया ई और कोई पॉइंट ले लिया है एफ। हमने रचना के अंदर क्या किया कि जो बी ई है वो लंब है पी के ऊपर, और जो सी एफ है वो लंब है आर एस पर। हमने दो लंब डाल लिए ताकि हम परावर्तन के नियमों का प्रयोग कर सकें। अब ये जो हमें सिद्ध करना है वो हमने देख लिया। हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ए बी को सी डी के समांतर लाने के लिए। तो जब हमने इसको प्रमाणित करना शुरू किया तो हमने जो माना है, जो रचना की है, वहाँ से शुरू करेंगे। हमने कहा कि जो बी ई है वो लंब है पी के ऊपर। अगर बी ई लंब है तो हमने इसको मान लीजिए 1, 2, 3, 4 कोणों को नाम दे दिया है ताकि हम आसानी से इनको यूज़ कर सकें। तो हमने कहा कि जो बी ई है वो लंब है पी के ऊपर, और जो सी एफ है वो लंब है आर एस पर। इस रचना को यूज़ करते हुए कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, और कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। इसकी वजह क्या रही, ये परावर्तन के हमारे नियम हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये परावर्तन के नियम के हिसाब से ऐसा हो रहा है। अगर ये हम इस तरीके से ले रहे हैं कि ये आपस में बराबर हैं, अगर हम इस पूरे कोण के हिसाब से देखें ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो एक टुकड़ा लेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 आधा है कोण ए बी सी का, और कोण 3 और कोण 4 जो हैं वो आधे हैं कोण बी सी डी के। ये इन कोणों के आधे चल रहे हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हमने ये देखा कि अगर ऐसा है, ये इसके लिए हमारे पास चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो कोण 2 है हमने लंब लिए थे, ये देखिए ये वाली चीज़ जो थी ये लंब थी, ये जो है ये भी लंब है, ये समांतर रेखाएं हो गई। अगर ये लंब है तो वो भी 90 है, वो भी 90 है। अगर ये समांतर हैं तो ये देखिए जेड की आकृति बन रही है। तो ये 2 और 3 जो कोण है ये कैसे कोण है, ये एकांतर अंत्य कोण है। जो ये कोण है 2 और कोण 3 ये तो कैसे कोण हैं, ये एकांतर अंत्य कोण हैं। अगर ये एकांतर अंत्य कोण हैं तो इसका मतलब ये तो आपस में बराबर होंगे। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब हो गया कि कोण 1 कोण 2
कोण तीन, कोण चार, ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दो और तीन यहाँ से बराबर हो रहे हैं, ये इसके बराबर चल रहा था, ये इसके, तो ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हो गई। अगर हम इन दोनों को यूज़ करते हैं तो क्या हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में बराबर हो गई। अगर ये आधी आधी बराबर हैं तो इसका मतलब, ये तो पूरी पूरी भी बराबर हैं, तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि जो कोण है ए बी सी वो कोण बी सी डी के बराबर है, ये वाला जो कोण है ये पूरा पूरा कोण बराबर चल रहा है। अगर ये पूरा बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ये हमारे पास जो कोण बराबर आए हैं उसकी वजह से, ये कोण तो कैसे थे, एकांतर अंत्य कोण थे, ये जो कोण हमने बराबर किए हैं इनकी पोजीशन कौन सी है, ये एकांतर अंत्य कोण हैं। एकांतर अंत्य कोण होने की वजह से क्या हो गया, ए बी और सी डी जो है वो समांतर सिद्ध हो गई। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर देंगे।